सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, इसको कई जगह सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। यहाँ सिस्टम से मतलब कंप्यूटर सिस्टम बनाने से नहीं, यहाँ सिस्टम से मतलब है आपका सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या किसी अनदर सिस्टम पे, कंप्यूटर ही अनदर सिस्टम पे रन कर पाए। अब नाम से क्लियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है, एनिमल लाइफ साइकिल्स होती हैं, वैसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम कोई चीज भी काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी वर्क करना होता है, मान लीजिए मुझे कोई ऐप, जैसे आप बना रहे हैं ऐप बनाना है, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आप एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं, आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको डेवलप किया गया होगा, और इसको जिसने भी डेवलप किया होगा वो कहलाते हैं प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। इस किसी भी प्रोसेस को करने में, एक सॉफ्टवेयर को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है उसके लाइफ साइकिल का, कि वो किन किन फेज से होकर जाएगा। और अगर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है SDLC का नॉलेज, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यह हुआ कि व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या? बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डिजाइन करती हैं, डेवलप करती हैं और फिर उसको टेस्ट करती हैं हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसमें जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कहलाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब SDLC का मेन एम क्या है, व्हाट इज अ मेन पर्पस टू यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? तो उसका मेन एम है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको प्रोवाइड कराना, जिसके अंतर्गत टाइम और कॉस्ट एस्टिमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, मतलब अगर कस्टमर ने आपसे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से कोई डिमांड करी है सॉफ्टवेयर बनाने की, तो उसे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना होता है, और जिस समय जिस बजट में वो सॉफ्टवेयर चाह रहा होता है उस कंपनी को वो सॉफ्टवेयर बना के देना होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका, हिंदी में अगर मैं बोलूं, जो चीज मैंने आपको बताई वो हिंदी में भी मैंने लिखी है इसमें, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की साइकिल है, जो डेटाबेस डिजाइन SDLC का एक मूलभूत घटक है। किसी भी सिस्टम को बनाने में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक साइकिल की बात होती है, साइकिल मतलब चेनिंग, एक चैन प्रॉपर चलती है जिसमें एक एक स्टेज अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है चरण। ठीक है, पहला फेज होता है इनिशियल आइडिया, सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है इनिशियल आइडिया। इनिशियल आइडिया के बाद होता है फिजिबिलिटी स्टडी, जिसको कि हम प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर ही रखते हैं। ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टम एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, सिस्टम डिजाइन, देन उसके बाद आता है डेप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और रिव्यू। इस प्रकार से ये साइकिल जो होती है काम करती है। मतलब जब एक सॉफ्टवेयर कंपनी कोई प्रोजेक्ट उसके पास आता है तो वो इन साइकिल की अलग अलग चरणों को, अलग अलग फेसेस को यूज करती है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक जो फेजेस हैं, जो चरण हैं, उनको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला फेज होता है
प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यहाँ पर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस से मतलब ये है कि आप कस्टमर से आप क्या करते हैं, बैठ के एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर कंपनी का एचआर या ऑनर जो होता है वो कस्टमर के साथ इंटरव्यू करता है या कम्युनिकेशन करता है, जिसमें वो क्या करता है कि उससे यह बात करता है कि वो क्या चाह रहा है, वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, उसकी कंपनी से वो क्या रिक्वायरमेंट चाह रहा है कि उसे कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर वो ये भी चर्चा कर सकता है कि उसके पास पहले से एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बना हुआ हो और उसे वो उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा हो, उससे संबंधित कुछ नॉलेज को क्या करती है कंपनी लेती है। उस फीडबैक को लेके कंपनी क्या करती है, एक हार्ड कॉपी या ऑन पेपर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है। तो सबसे पहला फेस होता है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो कि कस्टमर और कंपनी के बीच में होता है, जिसमें जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, वो कंपनी को बताता है कि मुझे किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए है, कितने समय में चाहिए है, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए है, अगर उसके पास पहले से कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो वो उसमें और क्या चेंजेस करवाना चाहता है या एडिशनल फीचर्स ऐड करना चाहता है। ये सारी चीजें वो प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेस के अंतर्गत होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ नाम से क्लियर है, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट के आगे अगर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है SRS। यहाँ पर SRS का मतलब होता है, SRS का मीनिंग यहाँ पर होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यहाँ SRS का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इट मींस व्हाट? SRS एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट होता है, जो कि एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जिसके अंतर्गत जो भी प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान कस्टमर से डिस्कशन हुआ है कंपनी एम्प्लॉइज का या कंपनी का, उसे वो हार्ड कॉपी या ऑन पेपर या सॉफ्ट कॉपी में डिजाइन करते हैं, लिखते हैं कि कंपनी से कस्टमर ने क्या क्या रिक्वायरमेंट करी है, कितने टाइम में और कितने पैसा का बजट है उसका, और उसे इस टाइम तक उसका प्रोजेक्ट चाहिए है, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए हैं, कौन कौन से फीचर्स चाहिए हैं। इनको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट के अंतर्गत SRS में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो एक कस्टमर और कंपनी के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट फेस होता है आपका डिजाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। नाम से क्लियर है, प्रोडक्ट से मतलब है यहाँ पर कस्टमर द्वारा मांगा गया सॉफ्टवेयर, जो जिसको यहाँ पर प्रोडक्ट नाम दिया जा रहा है, कि जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है या जो भी हमें सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, मतलब कि किस तरीके से सारी चीजें काम करेंगी। तो इस आर्किटेक्चर के अंदर अंतर्गत UML का यूज किया जाता है। UML डायग्राम के थ्रू आर्किटेक्चर को डिजाइन किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड का मतलब होता है डिजाइनिंग फेस, हम फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे कि सॉफ्टवेयर जो भी हम कस्टमर है उसकी कंपनी का नाम क्या है, वो क्या क्या चीजें फील्ड चाह रहा है, टूल्स चाह रहा है, मेन्यू चाह रहा है। साथ ही साथ हमें एक डेटाबेस भी डिजाइन करना होता है जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो इस फेस के अंदर हम UML डायग्राम, जैसे कि लॉजिकल डायग्राम,
डेटा फ्लो डायग्राम, मेटा डेटा, डेटा डिक्शनरी आदि चीजों का यूज करते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डीबीएमएस, ये डीबीएमएस का वर्ड है, डेटा रिलेटेड टू डेटा या डेटा अबाउट टू डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। मतलब किसी का अगर आपने नाम लिया, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, तो ये नाम क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका मेटा डेटा। और मेटा डेटा का जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है डेटा डिक्शनरी। फिर आते हैं हम लॉजिकल डायग्राम पे। लॉजिकल डायग्राम वे डायग्राम होते हैं जैसे कि क्लास डायग्राम, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का यूज कर रहे हैं, अगर आप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लॉजिकल डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो लॉजिकल डायग्राम मतलब क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, यानी विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटाबेस, जो भी होगा वो सारी चीजें होंगी आपकी डिजाइनिंग प्रोडक्ट आर्किटेक्चर फेज में या चरण में। उसके बाद पार्ट आता है डेवलपिंग का। जब आपका फ्रंट एंड और बैक एंड रेडिंग हो जाता है, तो फिर आप करते हैं कनेक्टिविटी के, आपको जो भी प्रोसेस करवानी है प्रोडक्ट में डेवलप करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज होती है बैक एंड और फ्रंट एंड का कनेक्टिविटी, तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो कि डेवलपर द्वारा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में यूज की जाती हैं, और इस फेज में काम करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसे प्रोग्रामिंग आती हो, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर जिसे प्रोग्रामिंग आती हो, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, इस तरीके से अलग अलग पोस्ट कंपनी में होती हैं। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो सॉफ्टवेयर की कोडिंग के थ्रू डेवलप करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की प्रोसेस को। तो ये फेस हुआ आपका बिल्डिंग और डेवलप द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्टिंग द प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर को बनाने में। प्रोडक्ट बन गया है लेकिन हम डायरेक्ट कस्टमर को हैंडओवर नहीं कर सकते। अगर हमने कस्टमर को हैंडओवर कर दिया और प्रोडक्ट में कोई या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हुई, तो कस्टमर से हमारे रिलेशन खराब होंगे और उसको कोई कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टर जो होता है, हर कंपनी में एक पोस्ट होती है सॉफ्टवेयर टेस्टर की, जो क्या करता है, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, आपने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करता है, उसके हर फेस को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्टिंग अप्रोचेस से टेस्ट करता है। कई टेस्टिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग, है ना। तो इस तरीके से कई टेस्टिंग के थ्रू हम हमारी कोडिंग को, पूरे प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को, प्रोडक्ट को चेक करते हैं। जब सॉफ्टवेयर टेस्टर अगर इस चीज को टेस्ट कर लेता है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके लिए भी बनाया है, वो पूरी तरीके से एरर फ्री है, उस पूरे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको डिप्लॉयमेंट के लिए मार्केट में भेजा जाता है या फिर उस कंपनी को हैंडओवर किया जाता है। यहाँ डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को कस्टमर को हैंडओवर करना टीएक्सी के फॉर्म में, उसके सिस्टम पे इंस्टॉल करवाना ताकि वो उसको यूज कर सके। साथ ही साथ मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जब कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बना के देती है, तो वो ये टर्म्स एंड कंडीशन भी कस्टमर के साथ साइन करती है कि फ्यूचर में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, या कस्टमर सपोज 2 या 3 महीने में कोई अपडेट या चेंजेस चाहता है अपने सॉफ्टवेयर में, तो इस प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर डेवलपर या कंपनी जो होती है मेंटेनेंस के फेस में रख के उसको सॉल्व करती है। डेप्लॉयमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी के अंतर्गत आता है आपका नेक्स्ट फेज रिव्यू। रिव्यू मतलब होता है फीडबैक। अगर आपने कस्टमर को कोई सॉफ्टवेयर दिया है
और एक तो कस्टमर से कंपनी एक फीडबैक या रिव्यू लेती है कि आप हमारे द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, आपको हमारे द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर यूजफुल लग रहा है कि नहीं, आपकी कंपनी के लिए यूजफुल है या नहीं, ये सारी चीजें रिव्यू फेस के अंतर्गत आती हैं। अगर मैं बात करूं फिजिबिलिटी एनालिसिस की, जो कि मैंने ऊपर बताया था, एक फेस था फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस मेन फेस होता है जिसमें, जो कि प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये चीज देखी जाती है कि कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट है वो फिजिबल है कि नहीं। इट मीन्स कॉस्ट एस्टिमेशन और टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेस का। नेक्स्ट होता है अगाबी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे फेसेस होते हैं। पहला होता है फॉर्मेशन इनिशियलाइजेशन फेस, जिसमें आपके पास एक रफ ऑर्डर आता है कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। दूसरा होता है रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, कौन कौन से फंक्शंस होंगे, कौन कौन सी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होंगी, फिर उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिव्यू होगा, वो हेड के पास जाएगा और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद वो डिजाइनिंग फेस में जाएगा। डिजाइनिंग फेस में डिजाइन रिव्यू होगा, फिर प्रोजेक्ट का डेप्लॉयमेंट। इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस जो होती हैं, अलग अलग फेस क्या करते हैं, काम करते हैं। और लास्ट में पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आपने रिलीज कर दी है, वही मेंटेनेंस वाला पार्ट, कि अगर आपने रिलीज कर दी है तो, और अगर कस्टमर को कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन या चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसडीएलसी मॉडल। ये तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैडम जब एसडीएलसी ही एक प्रोसेस है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, तो एसडीएलसी मॉडल की क्या जरूरत है। एसडीएलसी केवल प्रोसेस है, लेकिन किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीके की जरूरत होती है, कोई ना कोई वे चाहिए किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने का। तो मॉडल्स क्या है, मॉडल्स एक तरीके का एक तरीका है एसडीएलसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का। तो यहाँ डेफिनेशन से क्लियर है, टू हेल्प अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट द एसडीएलसी फेसेस, वेरियस एसडीएलसी मॉडल्स हैव बीन क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो एसडीएलसी मॉडल्स जो होते हैं वो आपको तरीका बताएंगे कि आप कितने तरीके से एसडीएलसी प्रोसेस को फॉलो करके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कई प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफसाइकल मॉडल्स को डिफाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला मॉडल आता है वॉटरफॉल मॉडल, दूसरा है इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, बिंग बैंग मॉडल। अब ये सारे मॉडल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे मॉडल्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं। एसडीएलसी में जितने भी फेसेस हैं वो सारे फेसेस को ये मॉडल अपने तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। इसलिए इन मॉडल्स का यूज किया जाएगा, डिफरेंट मॉडल्स को हम यूज करते हैं। वॉटरफॉल मॉडल को सिक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है। तो जितना इंपॉर्टेंट रोल एसडीएलसी प्रोसेस का है, उन्हीं प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एसडीएलसी मॉडल का, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसी ना किसी तरीके की जरूरत होती है, या किसी ना किसी, इंग्लिश में बोले तो वे ऑफ टेक्निक जरूरी होती है किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसलिए एसडीएलसी मॉडल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जनरली वाइवा में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट से कि आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है या मेजर प्रोजेक्ट आपने जो बनाया है उसमें आपने कौन से मॉडल का यूज किया है, बनाने में कौन सा मॉडल यूज किया है।
साथ ही साथ आपके ER डायग्राम, UML डायग्राम जितने भी हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, इन सब पे भी आप पे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि आपने कौन सा मॉडल यूज किया है, ER में आपने कौन सी रिलेशनशिप फॉलो करी है, 1-to-1 है, 1-to-many ली है, आपके डिराइव्ड एट्रीब्यूट कितने हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कितने हैं, आपके नंबर ऑफ टेबल कितने हैं डेटाबेस में, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं एसडीएलसी फेसेस जो हैं आपसे वाइवा के दौरान या कहीं भी इंटरव्यू के दौरान भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। टेस्टिंग में अलग अलग टेस्टिंग के टाइप जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उसके अलावा भी कई टाइप्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग करते हैं। कई जगह हम स्टेटमेंट की टेस्टिंग करते हैं, कई जगह हम लॉजिक की टेस्टिंग करते हैं, तो उन टेस्टिंग को अलग अलग नाम से बोला जाता है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इस टाइप से। आगे अगर इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक अगर आप लोगों को अगर पढ़ना होंगे तो हम उसको आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब एसडीएलसी मॉडल को यूज करने का कारण क्या है, रीजन फॉर यूजिंग एसडीएलसी मॉडल, मेन कारण है, पहला है प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, एस्टिमेटिंग एंड शेड्यूलिंग। मतलब क्या कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है, उसने आपको एक टाइम दिया है कि मुझे इस टाइम के अंतर्गत मेरा प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपको इन डिफरेंट मॉडल्स में से ये देखना पड़ेगा किस मॉडल के थ्रू मेरा प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्ड सेट ऑफ टर्मिनोलॉजी, एक्टिविटीज एंड डिलीवरेबल। मतलब कहां पर कैसी फ्रेमवर्क आप डिजाइन करेंगे कि जिसमें एज यूजुअल वही चीज आ रही है जो फर्स्ट पॉइंट है, ऐसी कौन सी सेट ऑफ टर्मिनोलॉजी और एक्टिविटीज को आप फ्रेमवर्क में लेंगे जिससे आप हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर्ड कर सकें, डिप्लॉय कर सकें और कस्टमर को दे सकें। मैकेनिज्म फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस टू ऑल स्टेक होल्डर्स। या स्टेक होल्डर्स से मतलब है अलग अलग कंपनी के एम्प्लॉयज एज वेल एज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, साथ ही साथ वो कस्टमर जिसके लिए आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है और आपके साथ काम करने वाले लोग, उसमें कितनी विजिबिलिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के लिए, ये सारी चीजें मॉडल में इजीली हो जाती है। नेक्स्ट है एडवांस stages of choosing an appropriate SDLC. एक appropriate SDLC चुनने के लिए क्या क्या advantages हैं? पहला है increase development speed. हमेशा आपकी जो भी process है development की, customer ने अगर आपको कोई time limit दी है या company suppose आपको कोई project देती है और बोलती है मुझे एक महीने के अंदर ये project चाहिए, तो ये depend करेगा आपकी increase स्पीड को कि आप कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी ट्रैकिंग कंट्रोल, आपके संबंध बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ। अगर आपके क्लाइंट से संबंध अच्छे होते हैं तो कई जगह आपकी कई चीजें मैनेज हो जाती हैं। डिक्रीज प्रोजेक्ट रिस्क, रिस्क जो होती है अगर आपके क्लाइंट से रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आप ये सारी चीजें टाइम पे करेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कंट्रोल्स आपके सही होंगे, आपके टीम मैनेजमेंट जो है, लीडरशिप टीम है, अगर आपकी टीम में मैनेजमेंट अच्छा है, तो इन सारी चीजों से आप बच पाएंगे प्रोजेक्ट रिस्क से और ओवरहेड से। एक समरी के फॉर्म में जो मैंने आज आपको बताया, वो समरी के रूप में बता रही हूँ आपको। कंक्लूजन, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेसेस, इनिशियलाइजेशन होता है जो बिगिन होता है स्पॉन्सर से या कस्टमर से। दूसरा होता है सिस्टम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, सिस्टम में क्या क्या कॉन्सेप्ट है जिसमें इंक्लूड किया जाता है सिस्टम बाउंड्रीज, डॉक्यूमेंट, रिस्क एनालिसिस, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें
सिस्टम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में होती हैं, फिजिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग फेज में होता है आपका, डेवलप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर एक्वायरिंग रिसोर्सेज, सॉल्यूशंस क्या होंगे, फिर यानी प्लानिंग मतलब ये कि हम किस प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कौन सा बैकएंड यूज करेंगे, कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे उस प्रोजेक्ट को बनाने में। फिर होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो कि ग्रुप में होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब हुआ कि डिटेल फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, सारी चीजों की, किन किन चीजों की एक्चुअल आवश्यकता है उसको कलेक्ट करना। फिर फेस होता है आपका डिजाइन, डिजाइन के बाद होता है आपका डेवलपमेंट मतलब इम्प्लीमेंटेशन, जो भी कोडिंग आप कर रहे हैं वो, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सब चीजों से, सब लोगों से, क्योंकि एक प्रोजेक्ट एक व्यक्ति नहीं बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पर डिफरेंट डिफरेंट लोग काम करते हैं, उन सबसे सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके जो डेवलप हुआ है सॉफ्टवेयर उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन की प्रिपरेशन होती है जिसमें प्रोडक्शन एनवायरमेंट और दूसरे लोगों का काम होता है, उसके बाद होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जिसमें क्या किया जाता है, जो कस्टमर होता है उसको हैंडओवर किया जाता है प्रोडक्ट और उसको समझाई जाती है उसकी प्रोसेस कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कैसे कैसे होगा, क्योंकि कस्टमर को केवल आप दे देंगे तो कस्टमर को समझ में नहीं आएगा, आपको कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट से जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो कस्टमर को हैंडओवर करते समय उसको समझाना पड़ेगा कि कौन से बटन से क्या हो रहा है, कहाँ आपका डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस तो कस्टमर से हाइड रहता है, लेकिन कस्टमर को ये बताना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट वर्क कैसे करेगा, मतलब वर्किंग प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो आपको कस्टमर को समझाना पड़ेगी। और 2 या 3 महीने में या जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है कोई चीज अपडेट कराने की या कोई समस्या आती है प्रोजेक्ट में तो वो मेंटेनेंस फेज के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनी को देता है और वो आपको क्या करेगा, मेंटेन करके रिटर्न करेगा कस्टमर को। फिर होता है डिस्पोजिशंस, मतलब ये कि कहीं उसको अगर कोई एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एंड ऑफ सिस्टम एक्टिविटीज, जहाँ सिस्टम की एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है और रिव्यू प्रोसेस होती है जिसमें कस्टमर आपको क्या करता है, रिव्यू देता है आपके प्रोजेक्ट के अंत पर।